क्या आपने कभी किसी धूल भरी शेल्फ पर उंगली फेर कर सोचा है कि आखिर यह है क्या? Have you ever run a finger across a dusty shelf and wondered what is this stuff anyway? ज्यादा अच्छा थॉट तो नहीं है ना? It's not a very appealing thought, is it? लेकिन अगर आप ये सोचो कि असल में इस धूल को बनाता क्या है, तो ये fascinating है. But it's fascinating once you stop to consider what actually makes up that fine layer of grime. आपको जानकर हैरानी होगी कि घर की धूल का एक बड़ा हिस्सा उस चीज से बना होता है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते. आप यू माइट बी सरप्राइज्ड टू लर्न दैट अ लार्ज पोर्शन ऑफ हाउसहोल्ड डस्ट इज मेड अप ऑफ समथिंग यू माइट नॉट एक्सपेक्ट. या यूं कहें, आपके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े जो आपसे अलग हो गए हैं, और रादर टाइनी बिट्स ऑफ यू दैट यू शेयर. इंट्रीग्ड? चलिए धूल की सूक्ष्म दुनिया में उतरते हैं और इस यूबिक्विटस हाउसहोल्ड गेस्ट के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं. Well, let's dive into the microscopic world of dust and uncover the secrets of this ubiquitous household guest. धूल बस एक चीज नहीं होती है. Dust isn't just one thing. इसे अलग-अलग sources के छोटे-छोटे कणों के समूह की तरह समझो. Think of it as a motley crew of tiny particles from many different sources. इसका कुछ हिस्सा बाहर से आता है, मिट्टी के कण, पेड़ पौधों से पॉलन और प्रदूषण के छोटे-छोटे कण जो खिड़कियों या दरवाजों से अंदर आ जाते हैं. Some of it comes from outside, bits of soil, pollen from plants, and even tiny specks of pollution that have drifted in through windows or under doors. लेकिन हैरानी की बात ये है कि बहुत सारी धूल आपके घर के अंदर ही पैदा होती है. But a surprising amount of dust originates right inside your home. ये indoor dust आपके कपड़ों और फर्नीचर से निकले रेशों, अगर आपके पास पालतू जानवर हैं, तो उनके बाल, और मानो या ना मानो, आपकी अपनी मृत त्वचा कोशिकाओं का मिश्रण होती है. This indoor dust is a unique blend of things like fabric fibers from your clothes and furniture, pet hair if you have furry friends, and believe it or not, a hefty helping of your own dead skin cells. आपकी त्वचा आपके शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और ये लगातार खुद को नया बनाती रहती है. इसे एक जीवित ढाल की तरह समझो, जो आपको बाहरी दुनिया से बचाती है. आपकी त्वचा की सबसे बाहरी परत सख्त मृत कोशिकाओं से बनी होती है. ये कोशिकाएं हमेशा झड़ती रहती हैं और नीचे से नई कोशिकाएं उनकी जगह ले लेती हैं. ये प्रक्रिया आपके पूरे जीवन भर चलती रहती है. सेक्शन 4, मृत त्वचा के बारे में खुजली वाली सच्चाई, द इची ट्रूथ अबाउट डेड स्किन. सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मृत त्वचा का झड़ना बिल्कुल नॉर्मल है. इट माइट साउंड अ बिट ग्रॉस, बट शेडिंग डेड स्किन इज कम्प्लीटली नॉर्मल. वास्तव में हम हर दिन लाखों त्वचा कोशिकाओं को शेड करते हैं. इनफैक्ट वी शेड मिलियंस ऑफ स्किन सेल्स एवरी सिंगल डे. ये इस बात का संकेत है कि हमारा शरीर ठीक से काम कर रहा है, लगातार खुद को रिन्यू और रिजेनरेट कर रहा है. इट्स अ साइन दैट आवर बॉडीज आर वर्किंग एज दे शुड, कॉन्स्टेंटली रिन्यूइंग एंड रिजेनरेटिंग. ज्यादातर समय हमें इस शेडिंग प्रोसेस का पता ही नहीं चलता है. मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट इवन नोटिस दिस शेडिंग प्रोसेस. लेकिन जब आपकी त्वचा रूखी होती है, तो आप इसे ज्यादा नोटिस कर सकते हैं. बट यू माइट नोटिस इट मोर व्हेन योर स्किन इज ड्राई. रूखी त्वचा आसानी से फट जाती है, जिससे गहरे रंग के कपड़ों पर वो सफेद निशान पड़ जाते हैं. ये इस बात का संकेत है कि अब मॉइस्चराइजर लगाने का समय आ गया है. ड्राई स्किन टेंड्स टू फ्लेक ऑफ मोर इजीली, लीविंग दोज टेलटेल व्हाइट स्पेक्स ऑन डार्क क्लोथिंग, अ श्योर साइन दैट इट्स टाइम टू रीच फॉर द मॉइस्चराइजर. सेक्शन 5, त्वचा से परे, धूल के विविध तत्व, बियॉन्ड स्किन डस्ट डिवर्स इंग्रीडियंट्स. धूल की दुनिया में मृत त्वचा कोशिकाओं का बड़ा योगदान हो सकता है, लेकिन इस सूक्ष्म नाटक में वो अकेले किरदार नहीं है. और अपने प्यारे साथियों को मत भूलना. तो अगली बार जब आप डस्ट बनी देखें, तो याद रखें ये सूक्ष्म इंग्रेडिएंट्स का एक पूरा जू है. सेक्शन 6, धूल. आपके पैरों के नीचे एक छोटी सी दुनिया, डस्ट अ टाइनी वर्ल्ड अंडर योर फीट. तो अगली बार जब आप धूल की एक परत देखें, तो इसे सिर्फ गंदगी मत समझिए. सो द नेक्स्ट टाइम यू स्पॉट अ लेयर ऑफ डस्ट, डोंट जस्ट थिंक ऑफ इट एज डर्ट. ये आपके घर और उसमें रहने वाले सभी लोगों और हर चीज का एक फैसिनेटिंग माइक्रोकॉस्म है. इट्स अ फैसिनेटिंग माइक्रोकॉस्म ऑफ योर होम एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग इन इट. ये इस बात की याद दिलाता है कि सबसे साफ सुथरे घरों में भी जिंदगी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चल रही होती है. इट्स अ रिमाइंडर दैट इवन इन द क्लीनेस्ट ऑफ होम्स, लाइफ इज हैपनिंग ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल. और ये हमारे शरीर की लगातार खुद को रिन्यू और रिजेनरेट करने की अद्भुत क्षमता का प्रमाण है, भले ही इसका मतलब खुद के निशान पीछे छोड़ना ही क्यों ना हो. एंड इट्स अ टेस्टमेंट टू द इनक्रेडिबल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडीज टू कॉन्स्टेंटली रिन्यू एंड रिजेनरेट देमसेल्फ्स, इवन इफ इट मींस लीविंग अ ट्रेल ऑफ आवरसेल्फ्स बिहाइंड. कौन जानता था कि धूल जैसी मामूली चीज इतनी जिंदगी से भरी हो सकती है.
Who knew something as seemingly insignificant as dust could be so full of life?